हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सब बक्सर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं ड्यूटी से अभी घर आया हूं, मैंने हाथ मुंह धो लिया, मुझे आते आते बच गए हैं 7। मैं अपने लिए खाना बनाऊंगा, खाने में क्या बनाऊंगा इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं दोस्तों चाय बनाऊंगा। और दोस्तों एक बात कहना था कि मैं कुछ दिनों से सिर्फ ब्लॉग डाल रहा हूँ रेसिपी वाला, तो क्या करूँ दोस्तों, संपा जी नहीं रहने की वजह से मुझे डबल परेशानी हो गया। ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आकर के खाना बनाओ, तो मैं वही ब्लॉग ही छोड़ता हूँ। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और आप लोगों का प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मैं क्या बनाता हूँ, मेरा चाय हो चुका है, मैं चाय को उतारूंगा। मैं चाय को अब ग्लास में छाकूंगा। मेरा चाय हो चुका है, अब मैं चावल मैंने जो धो रखा है मैं उसे गैस में बिठा दूंगा। मेरा चावल हो चुका है, अब मैं गैस बंद करूंगा और चावल का मार मैं पसार लूंगा। मेरा चावल हो चुका है, मैंने मार भी गाल लिया है। दोस्तों मैंने गैस चालू कर लिया है, अब मैं सब्जी के लिए कढ़ाई बैठाऊंगा। मेरा कढ़ाई गर्म होने में मिनिमम 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट हो चुका है, मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं अब तेल डालूंगा। मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने में मिनिमम 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट हो चुका है, मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, मैं पनीर फ्राई करने के लिए पनीर डाल दूंगा। मेरा पनीर फ्राई हो चुका है, मैं पनीर को इस वाले कटोरे में निकाल लूंगा जिसमें पानी है। मैं पानी में पनीर को इसलिए निकालूंगा ताकि पनीर जो है वो सॉफ्ट रहे। मैंने पनीर निकाल लिया है, अब मैं आलू फ्राई करने के लिए कढ़ाई में आलू डालूंगा। आलू को पकने के लिए मैं हल्का सा नमक का यूज करूंगा। ये मैंने हल्का नमक ले लिया है, मैंने डाल दिया ताकि मेरा आलू अच्छी तरह से पक जाए। मैं इसे अब फ्राई करूंगा। मेरा आलू भी फ्राई हो चुका है, मैं आलू को भी प्लेट में अब निकाल लूंगा। मैंने आलू भी प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं प्याज और हरा मिर्च डाल दूंगा फ्राई करने के लिए। एक चम्मच नमक डाल दूंगा, उसके बाद मैं फ्राई करूंगा इसे। प्याज और हरा मिर्च मेरा फ्राई हो चुका है, मैंने एक टमाटर लिया है जो इसे काट लिया था, मैं वो डाल दूंगा फ्राई करने के लिए। प्याज हरा मिर्चा और टमाटर मेरा अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, मैं फ्राई करूंगा।
मिनिमम अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 मिनट तक फ्राई करूंगा ताकि मेरा अदरक लहसुन का गंध ना रहे। मेरा 1 मिनट हो चुका है, मेरा अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं सूखा मसाला इसमें यूज करूंगा, 1.5 चम्मच डालूंगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच और डालूंगा, 1.5 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच डालूंगा जीरा और गोल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच डालूंगा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच, 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच के मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगा। मेरा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैं इसे और पकने के लिए हल्का सा पानी डाल दूंगा, इसे मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा ताकि मेरा मसाला पूरा रोस्टेड हो जाए। मेरा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं तेल ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है, मेरा मसाला रोस्टेड हो चुका है। मैंने पनीर को पानी से बाहर निकाल लिया, मैं आलू और पनीर डाल दूंगा एक साथ। और मैं इसे फ्राई करूंगा। मेरा पनीर और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैं अब इसमें हल्के से पानी डाल दूंगा, पानी डाल करके ढक दूंगा। तो मैंने ये जिसमें पनीर रखा था वो पानी ले लिया है, अब मैं उसे सब्जी में डाल दूंगा और मिनिमम इसे 2 मिनट के लिए मैं ढक दूंगा। आंच कप को स्लो कर दूंगा मैं। मेरा 2 मिनट हो चुका है, चलिए मैं सब्जी का हाल देख लेता हूँ। मेरा सब्जी का हाल तो बहुत अच्छा है दोस्तों, देख लीजिए आप सभी। मेरा आलू भी पक चुका है, मेरा सब्जी भी हो चुका है, मैं अब इसे चेक करूंगा दोस्तों। दोस्तों मुझे जैसा पसंद था वैसा बना है, तीखा है, चटपटा है, सब्जी बना जबरदस्त है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि सब्जी बना कैसा था, अगर इसमें कोई भी गलती हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि वो जाकर के हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो एवरीवन बाय।